आपके बगीचे में जो पौधे लगे हैं वो खुश हैं और हेल्दी हैं, ये हमें वो कैसे बताते हैं? वो बोलते हैं जी हाँ, अपने पत्तियों के द्वारा। जब प्लांट हेल्दी होता है, पत्तियाँ खिली खिली, भले फूल एक आध आए या ऑफ सीज़न हो, लेकिन पत्तियाँ आपको एकदम हरी भरी और प्लांट एकदम खुश नज़र आता है। लेकिन हम सभी जितने भी गार्डनर्स हैं, एक चीज़ का हम सभी फेस करते हैं, वो है इन्फेस्टेशन। आपके पास चाहे 10 पौधे हों या बहुत बड़ा बगीचा, पॉलिनेटर्स आना बहुत ज़रूरी है। उसी तरह आते हैं कुछ ये अनवांटेड इन्फेस्टेशन। तो एक प्रॉब्लम जो बहुत आम है वो है लीफ कर्ल की। तो आप देखिए, लीफ कर्ल के पीछे 3 चीज़ें हैं मुख्यतः, जिसमें एक है सबसे पहला ये इस तरह से इन्फेस्टेशन। यहाँ ये मिली बग का इन्फेस्टेशन हुआ है मेरे सभी पौधों में। पत्तियाँ थोड़ी थोड़ी कर्ल दे जैसी नज़र आने लगी, मैंने अच्छी तरह से चेक किया अपने कनेर के पौधे को, तो मुझे नज़र आ गया मिली बग्स लगी हैं कुछ पत्तियों पे। इसीलिए ये देखिए, इस तरह से ये पत्तियाँ मुड़ना शुरू हो जाती हैं। पत्तियाँ मुड़ने लगती हैं, इसका जैसे मैंने बोल चुकी हूँ 3 कारण हैं। एक तो यही रस चूसक जितने भी कीट होते हैं, जैसे मिली बग्स हो गए, स्पाइडर माइट्स हो गई, थ्रिप्स हो गई, ये सभी अगर आपके पौधों पे अटैक करेंगे, कुछ दिनों बाद आपके अपने पौधों में इस तरह से प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। इसका रीज़न यही है कि पत्तियों का जो निचला हिस्सा होता है ना, वहाँ स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा छोटे छोटे पोर्स होते हैं जहाँ से जो पौधे हैं वो श्वसन क्रिया, मतलब वातावरण को ऑक्सीजन देते हैं और वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड शोषित करते हैं, और इसके साथ साथ वाटर इवोपरेशन भी होता है। तो ये जो जितने भी कीट होते हैं ना, वो अपने एग्स इन पत्तियों के पीछे ही इस तरह से देते हैं, और वहीं से ये पत्तियों का रस चूसते हैं, जिससे धीरे धीरे पत्तियाँ क्या होती है, सिकुड़ने लगती है। ये एक इंडिकेशन भी होता है और अपने बचाव के लिए भी करता है, लेकिन सही समय पर अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो आपका पूरा प्लांट इन्फेक्टेड हो सकता है और धीरे धीरे करके सभी पौधे भी। तो देखिए, ये मेरा 3रा पौधा है जो ज़मीन में लगा है, इसमें भी कुछ लीफ कर्ल मुझे नज़र आ रही है, और रीज़न वही है, ये रस चूसक कीट है जिनके एग्स में अभी आपको दिखाऊंगी, अगर आप देख पा रहे हैं वाइट वाइट कलर के एग्स इसमें लगे हुए हैं, जिसके कारण ही ये पत्तियां इस तरह से प्रॉब्लम फेस कर रही हैं। हमारा पौधा भी बीमार है बोल सकते हैं। अब एक और रीज़न है जिसकी वजह से आपको लीफ कर्ल की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, वो है फंगल इन्फेक्शन। ये देखिए, ये डबल चांदनी का पौधा है जो पहले गमले में लगा था, मैंने रिपोर्ट किया है, लगभग 1 महीने हो चुके हैं, लेकिन इसकी पत्तियां आपको नज़र आ रही है ना, थोड़ी थोड़ी मुड़ी मुड़ी हैं। इसका रीज़न है फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन कैसे हुआ इस पौधे में? इस पौधे को बंदर, मतलब इस पे कूदे थे, तो जो मेन जो डाल थी वो टूट गई थी, और वहीं से इस डाल पे जो मेन स्टेम थी ना, वहाँ पे ब्लैक कलर की फंगस लग गई है, और उसी फंगस की वजह से ये जो पत्तियाँ हैं ना, फंगल इन्फेक्शन की वजह से आपको इस तरह से कर्ल नज़र आ रही हैं। तो इसकी भी रेमेडी बहुत सिंपल है, आपको फंजीसाइड का यूज़ करना है। जब इस तरह से फंगल इन्फेक्शन होता है, तो जो ऑर्गेनिक फंजीसाइड हैं, लाइक हल्दी हो गई, सिनेमन पाउडर यानी कि दालचीनी का पाउडर हो गया, वो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होंगे स्टार्टिंग के फेज़ में। आप जो केमिकल फंजीसाइड होता है, जैसे साफ हो गया, बेबिस्टिन हो गया, क्योंकि वो कॉन्टैक्ट फंजीसाइड होता है, मतलब जब आप स्प्रे करेंगे ना, तो ये पौधों की अंदर तक जाके इस फंगस से फाइट करेंगे। इसीलिए आपको स्टार्टिंग फेज़ में मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप केमिकल फंजीसाइड जो आता है, उससे अपने पौधे को अच्छी तरह से स्प्रे करें, इस तरह से अगर आपको फंगस देखने को मिल रही है। और जहाँ से पौधा टूटा हो ना, तो आप ये गलती कभी ना करें, या तो कटिंग करें, या इस तरह से ये जो बंदरों ने तोड़ दिया था, तो उस समय भी मुझे फंजीसाइड अगर मैं लगा देती तो ये प्रॉब्लम नहीं फेस करनी होती। इन्फेस्टेशन को रोकने का सिंपल सबसे बेस्ट उपाय है, आप इस तरह से ना, जब भी पानी दें, अच्छी तरह से सुबह और शाम अपने पौधों को नहलाएं, बहुत अच्छे धार के साथ, बहुत अच्छे जेट स्प्रे का यूज़ करें तो और बेटर होगा। तो आप देखेंगे 90% तक इन्फेस्टेशन आप इसी से कंट्रोल कर लेंगे।
ज़्यादा फन की जो पेस्टिसाइड होते हैं उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, जितने भी ये स्पाइडर माइट्स हो गए, मिली बग्स हो गई और थ्रिप्स हो गए, अच्छी तरह से अगर आप नला दें ना पौधे को, जो पौधा इन्फेक्टेड है उसको दूर हटा के थोड़ा सा टेढ़ा करके अच्छी धार से रोज़ सुबह शाम नलाइए, देखिए आपका पौधा बहुत जल्दी रिकवर करेगा। इसके साथ साथ जो मेडिसिन यूज़ करती हूँ मैं, वो भी आपको बताऊँगी। एक चीज़ का और मैं यहाँ बोलना चाहूँगी, चींटियों का विशेषता ध्यान रखिए। चींटियों को दूर भगाने के लिए आप राख, जो चूना होता है बुझा हुआ चूना, उसके साथ दालचीनी पाउडर, हल्दी, इन सब का जो मिट्टी होती है सॉइल उसमें प्रयोग करते रहें, और उसके साथ साथ जो लक्ष्मण रेखा होती है ना, वो जहाँ से भी आपको देखें चींटियाँ नज़र आ रही हैं लक्ष्मण रेखा को लगाते रहें। अब ये देखिए, ये मेरे विंटर के प्लांट्स हैं, विंटर के प्लांट्स में भी मुझे नज़र आ रहा है लीफ कर्ल की प्रॉब्लम। तो कई बार गर्मी के कारण, हीट के कारण भी ये प्रॉब्लम आपको फेस, अधिक बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई, बहुत ज़्यादा ठंड हो गई, उस कंडीशन में भी कई प्लांट लीफ कर्ल कर लेते हैं, स्पेशली जो डोरमेंट पीरियड में होते हैं। लेकिन फिर भी एज ए प्रिकॉशनरी मैं इसमें नीम ऑयल और जो लिक्विड सोप होता है ना, उसका स्प्रे कर दे रही हूँ। तो एक रीज़न ये भी होता है, ज़्यादा तेज़ गर्मी या फिर अगर पानी आप इरेगुलर से दे रहे हैं कि पौधों में पानी सूख जा रहा है फिर दे रहे हैं, या फिर ज़्यादा सॉगी कर दे रहे हैं, तब भी कई बार लीफ कर्ल हो जाता है। वैसे मुख्यतः इसका रीज़न इन्फेस्टेशन ही है। लीफ कर्ल का एक और कारण भी होता है, वो है वायरल इन्फेक्शन। वायरस के अटैक से भी पौधों की पत्तियों में कर्लिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। तो अगर मैं रेमेडी का सबसे फर्स्ट स्टेप और मेन स्टेप आपसे बोलूं कि जब भी आप इस तरह से इन्फेक्टेड पार्ट देखें, तुरंत उन पौधों के उन हिस्सों को कट करके वहां से रिमूव कर दीजिए, क्योंकि आप पानी से धोएंगे, आप कोई भी केमिकल या ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का स्प्रे करेंगे, तो जो मैंने अभी दिखाए हैं ना, ये जो एग्स होते हैं, ये जो इंसेक्ट्स होते हैं, वो पानी के साथ बह के कई बार मिट्टी में पहुंच जाते हैं, और एक आदमी बच गया तो उन्हीं से ये एग्स बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होते हैं। अगर मिलीबग का एक एग भी रह गया ना, तो वो जैसे ही बड़ा होगा वो 500 एग देगा, फिर 500 से 5000 से 50000 बहुत जल्दी स्प्रेड होते हैं ये इंसेक्ट्स जो हैं। तो सबसे बेस्ट यही है, तुरंत आप जितना भी इन्फेक्टेड पार्ट है ना, जितनी भी आपको पत्तियां कर्ल नज़र आ रही हैं, उनको कट करके उस पौधे के उस पार्ट से तुरंत हटा दें। इन पत्तियों को आप कंपोस्ट पिट में भी ना डालें, बस अच्छी तरह से उन टिप्स को कट करके रिमूव कर दीजिए। इससे ये जो इन्फेक्शन है ना, उसके बढ़ने की गति बहुत ही स्लो हो जाती है, और आप ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड और उसके यूज़ से ही इन्फेस्टेशन पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है, और ज़रूर फॉलो कीजिए, इस तरह से इन्फेक्टेड पार्ट को कट करके हटा दीजिए। और ये देखिए, ये मेरे गमले में लगे हुए गुड़हल हैं, और मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, सिर्फ अगर आप अच्छी तरह से प्रॉपर वॉश करते रहें ना गमले लगे पौधों को, और चींटियों को थोड़ा सा दूर भगाएं, सिर्फ लक्ष्मण रेखा का चारों तरफ से घेरा बनाते रहें, गमले में इन्फेस्टेशन रोकना बहुत ईजी है। ज़मीन में बहुत थोड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि चींटियों को ज़मीन से भगाना, आप अगर केमिकल भी यूज़ कर लें ना, आज दे रहे हैं, चार दिन बाद फिर वो कहीं से निकल आएंगी। तो आप अच्छी तरह से गमले में तो बहुत ईजिली इन्फेस्टेशन कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे मेन तो है कुछ नहीं है, लिक्विड सोप लीजिए। लिक्विड सोप लेना है, या डिश वॉश जो होता है हम लोगों के पास बर्तन धोने का लिक्विड, वो यूज़ करना है, या शैम्पू। आपको कपड़े धोने का साबुन या सर्फ यूज़ नहीं करना है, सिर्फ वो दो पंप लेके एक लीटर पानी में उससे पौधों का अच्छी तरह वॉश कीजिए, इनफ है। दूसरी चीज़ है, आप नीम ऑयल ले सकते हैं। इन केस आपके पास नीम ऑयल नहीं है, तो आप नीम की पत्तियों को लेके अच्छी तरह से उबाल कर उसका पानी ठंडा करके भी यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़, जब भी मैं इन्फेस्टेशन रोकने के लिए कोई भी स्प्रे करती हूँ, तो उसमें कुछ भी मेरे पास, जैसे अभी मैं सीवीड का यूज़ कर रही हूँ, सीवीड हो गया, या अगर आपके पास माइक्रो न्यूट्रिएंट का पाउडर या लिक्विड है वो यूज़ कीजिए, या फिर इप्सम सॉल्ट, ये डाल के ही स्प्रे करती हूँ, जिससे ये फोलियर स्प्रे का काम करता है।
अब मैं जो मेन मेडिसिन है इन्फेस्टेशन रोकने के लिए, अगर बहुत ही ज़्यादा इन्फेस्टेशन फैल चुका है और कंट्रोल करना है इमीडिएट, जैसे थ्रिप्स वगैरह पूरा पेड़ ही एक तरह से वो ख़राब कर देते हैं, तो मैं सिर्फ इमिडाक्लोप्रिड ही यूज़ करती हूँ। इसके अलावा मैंने अभी तक कोई भी केमिकल यूज़ नहीं किया है। एक चीज़ और है जो मैं बोलूँगी, होम मेड रेमेडी, नीम के पत्ते मिल जाएं तो उसका पानी आप दे सकते हैं। और दूसरा है प्याज के छिलकों का पानी। प्याज के छिलकों को इस तरह से भिगा के रख दीजिए और 3-4 दिन बाद इस पानी को आप दीजिए। ये भी बहुत ज़बरदस्त एक ऑर्गेनिक इन्फेस्टेशन कंट्रोल करने का एक कारगर तरीका है। और इमिडाक्लोप्रिड अगर बहुत ज़्यादा सीवियर, अगर आपका पौधा बीमार हो चुका है बहुत ही ज़्यादा, तो ये आप महीने में 2-3 महीने में, स्पेशली जो गुड़हल के पौधे होते हैं ना, उन्हें 1-2 महीने में एक बार इमिडाक्लोप्रिड स्प्रे कर देना, एकदम सब स्वस्थ रहेंगे वो एकदम। और फंगल इन्फेक्शन में फंजीसाइड का यूज़, और स्पेशली जो पौधे डोरमेंट पीरियड में है ना, जैसे विंटर्स के पौधे मेरे पास कैलेंचो है, और जो मैंने अभी दिखाया था गार्लिक वाइन, और जितने भी ऑफ सीज़न प्लांट है ना, उनमें मैं 15-20 दिन में एक बार फंजीसाइड का स्प्रे करती हूँ। और जब भी आप स्प्रे करें ना इन्फेस्टेशन रोकने के लिए, या फिर अगर आप नल्हा भी रहे ना पौधे को, तो कोशिश कीजिए पत्तियों की निचली सतह पे ज़रूर ये आपका जो भी आप दवाई यूज़ कर रहे हैं या ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं वो पहुँचे, और पानी की भी अच्छी तरह से जो धो रहे हैं जो पौधे को, तो नीचे की तरफ पत्तियाँ पलट पलट कर अच्छी तरह से धोएंगे ना, तो बहुत जल्दी इन्फेस्टेशन दूर हो जाता है। जो वायरल इन्फेक्शन होता है उसमें पौधा काफ़ी सफ़र करता है। सबसे बेस्ट वही है, आप कट करके जितना भी कर्लिंग पार्ट है उसे रिमूव कीजिए, उसके बाद इमिडाक्लोप्रिड का हर 3 दिन में स्प्रे कीजिए। जब भी इन्फेक्टेड पार्ट भी अगर आप रिमूव कर रहे हों, तो कटर का यूज़ करें तो उसे सैनिटाइज़ कर लीजिए, और कटिंग के बाद फिर से सैनिटाइज़ करके ही रखिए उस कटर को। और अगर आप ब्रांचेस कट कर रहे हैं तो उस पर फंजीसाइड ज़रूर लगाइए, नहीं तो फंगल इन्फेक्शन से भी और पौधा आपका बीमार पड़ सकता है।